Mickey enough hard to deny MQED. I'm gonna look it up. Mickey enough hard to deny MQED, which is connected by EMP. Or hydrogen 9 and 2 is determined by a ratio of acid over base. यहाँ पे at 924 into BCO2 over bicarbonate. ठीक है, bicarbonate acid क्यों हो गया? जब ये water में dissolve होगा CO2, तो H2CO3 बन जाएगी. तो अब यहाँ पे hydrogen activity determine करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है. एक तो ये है कैसल लीच इक्वेशन, जो कि ये बताती है कि हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 4 H2O ओवर बाइकार्बोनेट. अगर ये नॉर्मल जो है CO2 नॉर्मल 40, बाइकार्बोनेट नॉर्मल 34 और 34 कैंसिल हो गया, 40 नैनोमोल पर लीटर आ गए. ये अपनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एक्टिविटी आपने डिटरमिन कर दी है. अब नैनो मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.0003074 के बाद 4, और इसका अगर आप माइनस लॉग निकालो, माइनस लॉग गूगल पे या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसका माइनस लॉग विल बी 7.4. ठीक हो गया. तो अब आपके पास कोई भी अगर इस फार्मूला से हाइड्रोजन नाइन एक्टिविटी डिटरमाइन करनी है तो एक काम तो आप ये कर सकते हो. तो दूसरा इक्वेशन इज द हेंडरसन हेसबर्ग इक्वेशन, जो कि पीएच इज इक्वल टू पी ए प्लस लॉग इनटू बेस पर इज इक्वल टू गया वैसे जो बेस या बेस हो दे. ठीक है, तो लॉग जो हो गया बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट एसिड के लिए जो कांस्टेंट है दैट इज 1.1. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट एसिड और कार्बोनिक एसिड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा PCO2. अल्फा अल्फा क्या है? इसे सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर CO2. तो इसकी वैल्यू इज नॉर्मली इज 0.03. 0.03 into PCO2, PCO2 40 होती है, तो 40 into 0.03 1.2 आ जाएगी. 24 और 1.2 आ जाएगा 20. ठीक है, और log 20 is 1.3. अगर आप क्लिक करते हो कैलकुलेटर से या गूगल में जाके log 20 is 1.3, तो 6.1 plus 1.3 is 7.4. तो इस तरीके से ये दो इक्वेशन है जिससे हम हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी या पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर हो गया? आपने थोड़ा सा टोक देना, मुझे रोक देना आपकी चीजों में. अब मैंने हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी जो है दैट इज द फंक्शन, ये याद रखना है, इज द फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ PCO2 और बाइकार्बोनेट. नॉर्मल इज 40 और 24 हाइड्रोजन एटम्स इज 40 एटम्स, मगर अगर मैं PCO2 80 कर दूं और बाइकार्बोनेट 48 कर दूं तो फिर रेशियो क्या बनेगा? 40 बन जाएगा. 80 और 48 और 24, ये 24 इनटू 48 2 और ये 2 अपना 80 डिवाइडेड बाय 2 गिव 40. अब ये भी मार्कली डी रेंज है, ये भी मार्कली डी रेंज है, मगर रिजल्ट जो है वही 40 नैनोमोल से बन रहा है. तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाने का मतलब ये है कि रेशियो रेशियो अब 80 और 48 है 40, या इसको 20 और 12 करते हैं, दोनों चीजें मार्कली चेंज है मगर रेशियो में भी 40 बनेगा, लेकिन तब क्या भाई, और ये अब तक जो भी 40 हाइड्रोजन बने. तो ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि हाइड्रोजन एक्टिविटी जो है इट इज द फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ PCO2 ओवर
आएगा। और रेशियो, इस रेशियो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्जेक्टली आइडियल ट्रांसमिशन मिलेगा। अब अभी तक ने डिटरमिन किया कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है एक्टिविटी इज इक्वल टू 24 इनटू PCO2 ओवर बाइकार्बोनेट। PCO2, PCO2 इज एसिड, क्या होता है एसिड, वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल एसिड व्हिच इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, PCO2 जो है रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, या तो CO2 डायरेक्टली आपके एक्सहेल हो जाएगी या ज्यादा एक्सहेल हो जाएगी या कम एक्सहेल हो जाएगी। अब अगर PCO2 ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो इस रेशियो को क्या होगा? अगर PCO2 बढ़ जाती है एसिड से चेंज से कम हो जाती है, हाइड्रोजन कंसम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाती है एचएस हाइड्रोजन कंसम्पशन बढ़ जाएगी और इंटीरियर हाइड्रोजन कंसम्पशन इज एसिडोसिस, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। अगर पीसीओ2 तो कम कम हो गया ये बाइकल हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, तो लास्ट हाइड्रोजन आयन इज क्लोजेस टूटे, इस वजह से ये PCO2 टूट जाते हैं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। अब बाइकार्बोनेट इज रेगुलेटेड बाय द किडनी में बिली टेम्पलेट के अंदर बिली किडनी। अब बाइकार्बोनेट अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, इससे ऐसे वो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो लास्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एल्कलोसिस। और बाइकार्बोनेट कम हो जाता है एचएन बढ़ जाएंगे, आइडियल बात नहीं है, तो दैट इज एसिडोसिस। मगर ये चूंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल एसिड्स, ओके, तो कौन से वोलेटाइल एसिड्स के बारे में बताएंगे? तो टोटल एसिड की फीचर होती है वो कहते होती है अमोनियम नाइट्रेट, टोटल एसिड की अमोनियम सर, टोटल एसिड की फीचर टाइट्रेबल एसिड प्लस अमोनियम, नेट एसिड फीचर इक्वल टू टाइट्रेबल एसिड टाइट्रेबल एसिड कौन से जो ट्रिपलेट एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड जो यूरिन में फीट हो रहे हैं प्लस अमोनियम। और ये वाला जो है किडनी की फंक्शन जो है, एक तो ये अमोनिया प्रोडक्शन की बात की है लास्ट वीक द्वारा करेंगे, एक तो ये रिक्लेमेशन ऑफ फिल्टर बाइकार्बोनेट 3000 मिलीमोल जो है फिल्टर होते बाइकार्बोनेट उसको रिक्लेम करता है और रीजनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट 6 मिलीमोल पर डे तो रीजनरेशन करता है और ये फिल्टर बाइकार्बोनेट को भी जो रिक्लेम करता है किडनी से होता है। तो ये प्रोटेक्टिविटी है, इससे बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है, एसिडोसिस हो जाएगी, बाइकार्बोनेट रिटेन हो रहा है, एल्कलोसिस हो जाएगी। अब अगर कोई एक चीज हुई है, ये ना पे समझ लीजिए कि एसिडोसिस हो रही है मेटाबॉलिक एसिड्स आर बीइंग एडेड, ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन अब क्वांटिटी सिस्टम जिसको कहते हैं काफी बात की है कि एक प्रिसाइज पीएच या हाइड्रोजन कंसम्पशन की जरूरत है फॉर द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन जो है बहुत सारे एंजाइम सिस्टम की और ट्रांसपोर्ट की फंक्शन डिपेंडिंग फॉर्म पीएच हो गया, तो वो बॉडी को प्रिसाइज पीएच चाहिए। अब अगर कोई एडिशन होता है किसी एक चीज का डिस्टर्ब होती है तो
ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਨ ਪੀਐਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਕਾ ਆਪਨੇ तो बॉडी सिस्टम जो है ऐसे होंगे जो इस बढ़ने का इफेक्ट जो है आर्गेनाइन पे मिनिमम होता है। इसी तरह अगर बाइकार्बोनेट कम हो जाता है तो दूषित होती है और इसका इफेक्ट ये आर्गेनाइन पे होना है क्या पे होना है तो बॉडी सिस्टम ऐसे हैं जो इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर दो सिस्टम का बफर सिस्टम। ठीक है बफर सिस्टम है वो है बी जो कंडीशन आप इसे कैल्टी पार्टी में उसका इफेक्ट जो है पीएच पे या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे मिनिमाइज कर कैम करते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे इफेक्ट। और ये जो है यूजली कंबिनेशन है वीक एसिड और वीक एल्केली का बफर सिस्टम जो है वीक एसिड और वीक एल्केली का कॉम्बिनेशन। तीन किस्म के बफर सिस्टम है। फर्स्ट लाइन जो है दिस आर द केमिकल बफर सिस्टम सेकंड लाइन में रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्ड लाइन पे रेनल मैकेनिज्म। ठीक है यहाँ पे ये जो है सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए केमिकल बफर है उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है और लास्टली किडनी सिस्टम मैकेनिज्म आ जाता है। तो इसमें तीन किस्म के जो इंपॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट कार्बोनेटेड सिस्टम फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन सिस्टम प्रोटीन और हीमोग्लोबिन। ठीक है इसके बाद करते हैं सेकंड लाइन में रेस्पिरेटरी टारगेट क्या करता है और थर्ड लाइन में रीनल। बाइकार्बोनेट बफर मेनली एक्स्ट्रा सेलुलरली है फास्फेट बफर इंट्रा सेलुलरली है प्रोटीन बफर एक्स्ट्रा सेलुलरली है मगर मेनली इंट्रा सेलुलर। और ये वाले जो है यहाँ पे बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एसिड और ये फास्फेट बफर के एग्जांपल आपको देते हैं। फास्फेट बफर इज N2HPO4 और NaH2PO4 ये एसिड है और ये बेस है। अगर HCl ऐड हुआ है तो ये क्या होगा क्या बन जाएगा NaCl और NaH2PO4 हो जाएगा। ठीक है अब ये NaH2PO4 इस HCl से वीकर बेस है। ठीक है और इसी तरह अगर NaOH ऐड हुआ है तो ये Na2H2O4 बन जाएगा और H2O बन जाएगी तो वीक बेस बन जाएगी। इधर बाइकार्बोनेट में HCl ऐड हुआ है तो क्या बनेगा H2CO3 NaCl और H2CO3 इज मच वीकर देन द HCl। और अगर NaOH ऐड किया तो कार्बोनेट से रिएक्ट करके एक्टिविटी कार्बोनेट बना देगी और एक्सो बना देगी। ठीक है तो ये वीकर एल्कली है एज कंपेयर टू दिस। प्रोटीन में एक अमीनो टर्मिनल है NH2H2 और एक कार्बोक्सिल CO ये OH ये एल्कली है ये एसिड है। क्या अगर कोई बेस ऐड होगी तो ये फिर रिएक्ट विद दिस और अगर एसिड ऐड होगा तो दैट विल रिएक्ट विद दिस टर्मिनल कार्बोक्सिल तो इस तरीके से प्रोटीन बफर करती है। और हीमोग्लोबिन का मैंने डिस्कस किया था कि CO2 डिसॉल्व जब सेल के अंदर जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HbCO2 बना देगी क्या उसका कार्बोनिक एसिड CO2 का नहीं बनेगा या अगर डिसॉल्व CO2 है तो H2H2 CO3 बना के HCO3 H हो जाएगी और H फिर भी ये HBC रिड्यूस हीमोग्लोबिन हो जाएगी ऑक्सीजन रिलीज होके तो ये इस तरीके से ये फ्री हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी नहीं रहेगी। ठीक है ना फ्री CO2 नहीं
ना फ्री आरडीएन आई प्रेजेंटेशन दे तो इस तरीके से वो हाइड्रोजन में बफर हो गया है सीओ टू भी बफर हो अब इसमें अगर बाइकार्बोनेट बढ़ता है तो ये बैलेंस हो जाएगा ठीक है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा पीसीओ टू आपको बढ़ानी होगी इसी तरह अगर तो ये सिस्टम जो है आपका कॉम्पनसेट करना अब ये कि जब भी आप चेंज लाते हो कोई रेडिकल चेंज लाते हो आप होती है तो ये तीनों सिस्टम जो है केमिकल बफर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम जो है कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं तो केमिकल बफर्स जो है दे एक्ट इंस्टेंटेनियसली जैसे ये रिएक्ट होगा फॉरन रिएक्ट हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा बेस के साथ बेस ऐड हुई है तो फॉरन रिएक्शन हो जाएगा एसिड के साथ तो केमिकल बफर जो है इंस्टेंटेनियसली एक्ट करते हैं फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो टेक फ्यू मिनट्स अगर आपके पास मेटाबॉलिक एसिड डोसेज हुई है तो क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है तो क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है तो केमिकल और रेस्पिरेटरी पहले काम करेगा CO2 वाश आउट होगी तो दैट विल टेक फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स ठीक है और रीनल मैकेनिज्म टेक सेवरल आवर्स टू डेज ठीक है तो ये रूटीन याद रखते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्यू मिनट्स टू आवर्स और रीनल सिस्टम जो है वो सेवरल आवर्स ऑफ डेज अब आपको ये इक्वेशन जो है आ गई है थोड़ा सा याद करना होगा कि अगर मेटाबॉलिक चेंज आई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है तो क्या होगा पीसीओ2 चेंज हुई है अगर बाइकार्बोनेट कम हुआ है तो उसकी कंपनसेशन PCO2 कम होके होगी अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा है तो उसकी कंपनसेशन CO2 बढ़ा के तभी अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा है तो PCO2 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन आयन नॉर्मलाइज होगा रिकॉर्डिंग इज ऑन मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हुई है उसमें पीएच को क्या होता है कम हो जाती है बाइकार्बोनेट को क्या होता है और उसमें रेस्पिरेटरी कंपनसेशन कैसे होगी PCO2 कम करके तो रिलेशनशिप क्या है कि PCO2 विल डिक्रीज बाय 1 to 1.3 मिलीमोल ऑफ मर्करी फॉर एवरी 1 मिलीक्वरेंट ड्रॉप इन बाइकार्बोनेट अगर एक बाइकार्बोनेट ड्रॉप होता है तो 1 to 1.3 मिलीमोल जो है PCO2 ड्रॉप होगी ठीक है तो ये तो इंपॉर्टेंट अब ये याद रखिए कंफ्यूज होने की बजाय और दूसरी लास्ट ये विंटर इक्वेशन है कि PCO2 इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट इनटू 1.5 प्लस 8 प्लस माइनस 2 ठीक है ये इस दो इस्तेमाल होती है ज्यादा ये विंटर इक्वेशन और ये पहले वाली वे पूछ सकते हैं आपके मीटर इक्वेशन क्या है योर PCO2 इज इक्वल टू ऑब्जर्व बाइकार्बोनेट इनटू 1.5 प्लस 8 प्लस माइनस 2 और दूसरा फार्मूला जो है बाई PCO2 की कंपनसेशन का है कि ड्रॉप इन बाइकार्बोनेट बाय 1 तो PCO2 ड्रॉप होगी बाय 1.3 अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई तो पीएच को क्या होगा पीएच बढ़ेगी बढ़ेगी बाइकार्बोनेट को क्या होगा ज्यादा होगा तो PCO2 को क्या होगा वो भी ज्यादा कंपनसेशन ज्यादा होगी तो इसके लिए आप एक कदम आप याद रखिए कि PCO2 इंक्रीज करेगी बाय
0.06 millimoles for each 1 millicurrent of bicarbonate increase. तो bicarbonate अगर 1 millicurrent increase करता है तो BCO2 0.06 millimoles. ठीक है, तो bicarbonate अगर for 24 से 25 होता है तो BCO2 40 से कितनी हो जाएगी 41.3. बस ये एक ही याद रखे, कंफ्यूज ना होने की वजह. नेक्स्ट जो है ये किसी का आम है जी सर. ठीक है, अब मेटाबॉलिक चेंज आई है वो तो भी बात, अगर रेस्पिरेटरी चेंज आई है CO2 पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, CO2 वॉक आउट हो गई तो PCO2 कम हो गई. अगर PCO2 कम हो गई है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए या मिनिमम चेंज करने के लिए हाइड्रोजन में क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करना होगा. ठीक है, PCO2 डिक्रीज हुई है तो बाइकार्बोनेट को डिक्रीज करना होगा. बाइकार्बोनेट डिक्रीज कैसे होगी, रियल मैक्सिमम प्रॉक्सिमल टेबल से बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. और अगर PCO2 बड़ी है तो बाइकार्बोनेट को बढ़ जाएगा, किडनी से बढ़ना है. और ये वाला सिस्टम जो है टेक सेवरल आवर्स टू डिक इन इंस्टेंटेनियसली नहीं है, तो इस वजह से क्योंकि रीनल मैकेनिज्म जो है टेक्स टाइम आवर्स डेज, तो इस वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोसिस जैसी डोसेस में और क्रॉनिक एल्कोसिस डोसेस में कंपनसेशन डिफरेंट हो जाता है. अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी तो पीएच को क्या होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिड कार्बन पीएच कार्बन एसपीडी को क्या होगा, पीएच इशू में इंक्रीज करेगी और पीएच कम होगा तो पीसीओ2 को क्या होगा सर, इंक्रीज करेगी और बाइकार्बोनेट इंक्रीज कंपनसेशन में इंक्रीज. अब यहां पे कितना इंक्रीज करेगी, फॉर एवरी 10 मिलीमोल जो है वो PCO2 चेंज में बाइकार्बोनेट का एक चेंज होगा. और अगर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट जो है वो इंक्रीज करेगा बाय 3.5 पर एवरी 10 मिलीमोल. एक्यूट में एक और क्रॉनिक में 3.5 जो है बाइकार्बोनेट इंक्रीज करेगा और एवरी 10 मिलीमोल इंक्रीज इन CO2. ठीक है, अब आपके पास एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है तो पीएच पीएच को क्या होगा, PCO2 को क्या होगा, बाइकार्बोनेट को क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा. कितना डिक्रीज करेगा, 2 मिलीमोल्स पर एवरी 10 एक्यूटली. अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है तो बाइकार्बोनेट विल डिक्रीज बाय 2 फॉर एवरी 10. और अगर रेस्पिरेटरी एल्कोसिस क्रॉनिक है तो बाइकार्बोनेट विल डिक्रीज बाय 5 पर एवरी 10 मिलीमोल्स इन डिग्रीज इन PCO2. अब आपने ये सारी कंपनसेशन है, चाहे वो मेटाबॉलिक कंपनसेशन है चाहे वो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है, एक चीज आपने याद रखनी है, कैन नॉट ब्रिंग द हाइड्रोजन कंसम्पशन टू नॉर्म. ठीक है, ये कंपनसेशन है, ट्राइज टू नॉर्मलाइज द हाइड्रोजन मगर इसको कंप्लीटली नॉर्मल नहीं कर सकते. ये भी याद है कि जब भी पीएच नॉर्मल होगी
और देयर इज अ चेंज इन PCO2 एंड बाइकार्बोनेट तो वो मिक्स सिस्टम है। अब इस पे बात करते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस डिसऑर्डर्स क्या है? सिंपल डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक हो सकती है, विच इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट और क्रॉनिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी सिस्टम में चेंज आई है और जो कंपनसेटरी चेंज है वो दैट इज विद इन फिजियोलॉजी कंप्लीट। सिंपल डिसऑर्डर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि व्हाट इज सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर तो क्या कहोगे? चेंज इन वन कंपोनेंट दैट इज सिंपल दैट कॉज ऑक्सीडेटिव इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सेम चेंज ऑफ इफेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Recording is on. Endangered species. आवाज आ रही है सर? मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही? सर वो बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, पढ़ाते रहते हैं। अच्छा बोलो फिर। सिंपल डिसऑर्डर की डेफिनेशन। सर सिंपल डिसऑर्डर में सर एक ही कंपोनेंट चेंज होगा और पीएच की डायरेक्शन भी उसी प्राइमरी डिसऑर्डर के डायरेक्शन में ही होगी चेंज, और जो सेकेंडरी कंपोनेंट है वो भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा विद इन नॉर्मल विद इन फिजियोलॉजिकल थिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप अगर से बाइकार्बोनेट ड्रॉप हो गया है, बाइकार्बोनेट 10 हो गया और PCO2 इज 24, तो क्या होगा? सर बाइकार्बोनेट से चेंज किस फ्रैक्शन में हुआ सर? ज्यादा हुए कम? 10 हो गया। 10 हो गया सर। PCO2 भी सर कम होनी चाहिए सर। मैं आप इसको क्या कहूं, पीएच भी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी। नहीं कम हुई ना, 24 है PCO2 और बाइकार्बोनेट 10 हो गया। जी सर। क्या कहोगे सर? मिक्स्ड सर। मिक्स्ड डिसऑर्डर, इसको सिंपल डिसऑर्डर नहीं कहो। सिंपल डिसऑर्डर तब कहोगे अगर CO2 की जो है वो भी फिजियोलॉजिकल रेंज में चेंज हुई हो। तो ये याद रखना है आपने। और उसके बाद आप आ जाए मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। तो इसमें दो तरह के मिक्स जो है, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक और मिक्स मेटाबॉलिक। तो मिक्स रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कौन से होंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये भी बात करते हैं, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद नॉन एनएन गैप मेटाबॉलिक। तो इसी तरह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद एनएन गैप मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद नॉन एनएन गैप मेटाबॉलिक, और फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
तो मिक्स मेटाबॉलिक में एक्मा एनएच गैस मेटाबॉलिक कैल्सिटोसिस प्लस मेटाबॉलिक कैल्सिटोसिस हो सकती है, नेग्मा प्लस मेटाबॉलिक कैल्सिटोसिस हो सकती है, एक्मा प्लस नेग्मा हो सकती है, मिक्स एक्मा हो सकती है और मिक्स नेग्मा हो सकती है। एग्जांपल तो ये आपने मिक्स हो गए। और उसके बाद ट्रिपल डिसऑर्डर्स एग्जांपल उसकी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है प्लस एक्मा है। इसी तरह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एक्मा, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक्मा और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस एक्मा। और क्वाड्रिपल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है प्लस एक्मा प्लस नेग्मा। मिसाल दे सकते हो? इसकी एग्जांपल दे सकते हो? एक पेशेंट है, रीनल फेलियर है, तो क्या होगा? एक्मा, एक्मा हो गया। उसका सीवियर वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग हो गई, साथ ही इसको डायरिया हो गया। अब जब वॉमिटिंग हो रही थी तो उसने एस्पिरेट कर लिया, हाइपरवेंटिलेट करके तो रेस्पिरेट किया। ये आपके पास फिजिकली ये आ सकते हैं पेशेंट ऐसे जिसमें क्वाड्रिपल डिसऑर्डर हो। इसी तरह रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, एग्मा और नेग्मा। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, वही पेशेंट है, वो सीवियर रेस्पिरेशन निमोनिया होकर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो ये किसी क्वाड्रिपल डिसऑर्डर होता है। बहुत ही सुपरफिशियली जब आप देखते हो ब्लड के तो आपने वहीं से सोचते हैं कि ये सिंपल है या मिक्स है। अगर बोथ कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है और रेस्पिरेटरी भी एल्कलोसिस है, तो दैट इज मिक्स। ये मतलब कम जो है, अगर दोनों कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में, दोनों एल्कलोसिस क्यों कर रही है तो मिक्स है। लेकिन एक अगर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होनी चाहिए, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसी तरह वन कंपोनेंट इज एबनॉर्मल, अदर कंपोनेंट इज नॉर्मल। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बाइकार्बोनेट 10 हो गया तो PC2 24 ही रही, तो ये भी मिक्स होगी। pH is normal with both components abnormal. चाहे वो opposite direction में हो, अगर pH normal हो तो pH normal नहीं हो सकती। जो physiological compensation है वो pH को normal नहीं कर सकती, तो उसमें भी double disorder होगा। अब एक पुराने जमाने में term use होती थी कि इन कंप्लीट कंपनसेशन या विदाउट कंपनसेशन या ओवर कंपनसेशन, जहां कहीं टेंडेंसी हो आपको ये टर्म यूज करने की कि कंपनसेशन इनकंप्लीट है या ओवर कंपनसेशन है या कंपनसेशन हुई नहीं, तो दैट इज मिक्स्ड डिसऑर्डर।
एस एंड बी एस की डिस्टर्बेंस के लिए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी, सबसे पहला काम जो है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपने करना ही है। क्योंकि कोई पेशेंट आपके पास ये कंप्लेंट नहीं आए लेके आएगा कि मुझे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वो किसी न किसी अंडरलाइन डिसऑर्डर के साथ आपके पास आएगा। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आपने करना है, उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, तब सस्पेक्ट करोगे इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए। दूसरा पेशेंट है, उसको डायरिया हो रहा है, तब सस्पेक्ट करोगे क्या कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। या एक पेशेंट है, शॉक में क्या हुआ है, तो आप सस्पेक्ट करोगे किसको एग्मा हो सकती है, एनल गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एक तो हिस्ट्री, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। एक पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर दूसरा पेशेंट है बहुत शैलो ब्रीदिंग है और स्लो ब्रीदिंग है, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस तरीके से हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आपको रहता। उसके बाद आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और आपने एनएन गैप ट्रीटमेंट करना है, डेल्टा डेल्टा गैप आपने निकालना है। अभी इनके बारे में डिस करेंगे। आर्टेरियल ब्लड गैसेस को डिटरमिन करना है और उसमें आपने A2O2 ग्रेडियंट निकालना है। सीरम ऑस्मोलैरिटी और उसके साथ ऑस्मोलर गैप डिटरमिन करना है, और यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स में यूरिन पीएच और यूरिन एनएन गैप देखना है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी के साथ यूरिन ऑस्मोलर गैप देखना है, और उसके बाद ये अमोनियम क्लोराइड लोडिंग टेस्ट है यूरिन में, और यूरिन आर्टेरियल BCO2 ग्रेडियंट है, फ्लूसेमाइड और फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसोन टेस्ट है। ये सम ऑफ द टेस्ट हैं जो आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। सीरम सोडियम तो आपको कोई खास एसिड बेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सीरम पोटेशियम अगर लो है क्या हो सकता है? एल्कलीमिया होगा एल्कलोसिस होगी, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो पोटेशियम जो है लो हो सकता है। एसिडीमिया है अगर, तो पोटेशियम आपका सेल से बाहर आ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे एक डिफरेंट है, और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो वहां आपको एसिडीमिया में भी पोटेशियम लो मिलेगा। अदर देन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये आपका रोल जो है काम में आएगा कि पोटेशियम लो है तो एल्कलोसिस है, अगर हाई है तो एसिडीमिया है। सीरम क्लोराइड अगर लो है नहीं, ऐसे भी डिस्टर्बेंस क्या होगी? हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर सीरम क्लोराइड हाई है तो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, सीरम बाइकार्बोनेट लो है तो एसिडोसिस, और हाई है तो अब यहां पे बाइकार्बोनेट लो या हाई है तो इसे आप ये कह सकते हो कि एसिडीमिया है या एल्कलीमिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है वो आप डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक आपके पास ब्लड गैसेस की रिपोर्ट नहीं है, जब तक आपके पास पीएच नहीं है।
अब आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो आपने याद रखने वाली है, याद रखने वाली है, बस का सीरम सोडियम हार्डली डी रेंज होता है, तो उसके साथ क्लोराइड भी चेंज होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सीरम सोडियम एक पेशेंट का 115 है और क्लोराइड 90 है तो इसकी इंटरप्रेशन क्या होगी? इंटरप्रेशन क्या होगी? ये हाइपरक्लोरीमिया है, हाइपरक्लोरीमिया बन जाएगा ना। और इसी तरह अगर 145 है सीरम सोडियम और क्लोराइड 90 है हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्लोराइड को आपने डिटरमिन करना है इन द लाइट ऑफ सोडियम, ठीक है। तो आपके लिए एक आसान काम ये बता दूं कि अगर आपका रेशियो जो है सोडियम टू क्लोराइड मोर देन 1.47 है तो 1.7 है तो क्या होगा? हाइपोक्लोरीमिक एल्कलोसिस हो गया। अगर रेशियो लेस देन 1.33 है तो क्या होगा? हाइपरक्लोरीमिया होगा। अब ये 140 और 115 है अगर क्लोराइड तो रेशियो आपका 1.21 हो गया, तो यहाँ पे हाइपरक्लोरीमिया है, ठीक है। 145 और 90 था तो रेशियो 1.61 हो गया, तो ये उसी सोडियम क्लोराइड के साथ ये हाइपोक्लोरीमिया हो गया और ये उसी क्लोराइड के साथ हाइपरक्लोरीमिया हो गया। देखियो जो है 1.33 से कम हो गया, तो ये चीज आपने देखनी है। अगर सोडियम नॉर्मल नहीं है तो फिर क्लोराइड की इंटरप्रिटेशन आपने रेशियो निकाल के कर दिया। नेक्स्ट आप आ जाओ एनएन गैप। एनएन गैप क्या होता है? Nine gap is unmeasured anions, which is calculated by measured cations minus measured anions. Standard definition जो है, आपकी जो है, is the difference between routinely measured cations minus routinely measured anions. अब sodium chloride और bicarb अब आपने ये कहा था कि इट इज दी अनमेजर्ड एनायन, अनमेजर्ड ये वाले अनमेजर्ड एनायन, ये अनमेजर्ड एनायन, तो ये वाले गैप में ये चीज आ रही है, ये इतना यहां तक ये नहीं आएगा क्योंकि ये आर लिंक टू कैटायंस, ये जो कैटायंस है उसके साथ भी अटैच हो गए ना फॉस्फेट सल्फेट्स और इतने ही वाले, तो गैप में भी डिफरेंस difference between unmeasured anions and unmeasured cations.
दूसरी डेफिनेशन अनमयन एनआई चाहिए और अनमयन कैटाइन चाहिए, इनके दरमियान में ये डिफरेंस होता है दैट इज एनएन कैन, या जो रूटीनली मयन कैटाइन ये सोडियम जो है और इन मयन एनआई, तो ये डिफरेंस ये दोनों तरह से ये और इसका डिफरेंस, इनका और इसका डिफरेंस, या इनका और इसका डिफरेंस, दोनों तरह से। अब यहां पे एसिड ऐड हो गया, ये एच इज कीटो एसिड या लैक्टिक एसिड, बाइकार्बोनेट को क्या होगा? केमिकल बफर, ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो बाइकार्बोनेट आपका काम हो जाएगा, H2CO3 बन के H2O और CO2 बन जाएगा और क्लोराइड इतना ही है तो ये गैप आपका बढ़ गया। तो ये हमारा मैयर रूटीनली मैयर कैटाइन था और ये रूटीनली मैयर एनायन कम हो गए तो ये गैप बढ़ गया। इसको क्या अब अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है फिर क्या होगा? क्लोराइड बढ़ गया, आपका HCl प्लस H2CO3 सोडियम एसिड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और H2CO3 बन जाएगा तो देयर विल बी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट विल बी रिप्लेस बाय क्लोराइड, तो ये आपका एनएन गैप चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाइकार्बोनेट जो कम हुआ है दैट इज रिप्लेस बाय क्लोराइड, तो एनएन गैप आपका नॉर्मल रहा, नॉन एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट तो कम हो गया मगर एनएन गैप आपका बड़ा नहीं है ड्यू टू इंक्रीज इन क्लोराइड। यहां पे बाइकार्बोनेट कम हुआ था ड्यू टू इंक्रीज इन टाइटेबल एसिड, इट वेज इट दैट वे अदर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बढ़ जाएंगे क्लोराइड उतना ही रहेगा, यहां पे क्लोराइड बढ़ गया है बाइकार्बोनेट कम हो गया तो गैप नॉर्मल नहीं रहा, तो ये आपका नेग्मा नाम एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ये एग्मा एनएन गैप मेटाबॉलिक, तो ये अपने पहले नंबर पे अपने ये जब भी इलेक्ट्रोलाइट देखोगे इंडिविजुअल सीरम इलेक्ट्रोलाइट से अपने जो सस्पेक्ट करने हैं करने हैं उसके बाद आपने एनएन गैप डिटरमिन, अगर एनएन गैप ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अगर एनएन गैप नॉर्मल है एनएन गैप नॉर्मल है फिर आपने क्या कहना है एनएन गैप नॉर्मल है तो फिर क्या कहना है भाई का क्लोराइड को देखना है एनएन गैप नॉर्मल है तो क्लोराइड इंक्रीज होना चाहिए। अब जब आपने एनएन गैप डिटरमिन कर तो ये चीज देखनी है, ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन मेजर प्रोटीन जो है दैट इज एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एल्ब्यूमिन इज एनआई, गामा ग्लोबुलिन आर कैटायन, ये भी आपने याद रखना है गामा ग्लोबुलिन आर कैटायन एंड एल्ब्यूमिन इज एनआई। अब अगर एल्ब्यूमिन बढ़ गई है किसी पेशेंट अगर एल्ब्यूमिन बढ़ गई है यहाँ से ये गैप जो है बढ़ जाएगा एल्ब्यूमिन बढ़ गई है और अगर एल्ब्यूमिन कम हो गई है तो ये आपका कम हो जाएगा एनएन गैप आपका कम हो जाएगा अगर एल्ब्यूमिन कम है और एल्ब्यूमिन अगर ज्यादा हो गई है तो एनएन गैप ज्यादा हो जाएगा, उसका इफेक्ट कैसे डिटरमिन करना है करेक्टेड एनएन गैप निकालना है, कैसे निकालना है
ऑब्जर्व्ड एन एन गैप जितना भी है प्लस 2.5 इनटू नॉर्मल माइनस मेजर डेंटू नॉर्मल इज 4 और माइनस मेजर डेंटू 4 माइनस अगर 2.2 है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 इनटू 2.5 5 आपके ऑब्जर्व बाई का ये एन गैप पे ऐड हो जाएंगे अगर एल्ब्यूमिन 6 हो जाती है तो क्या होगा ये माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा ठीक है तो अगर सीरम एल्ब्यूमिन हाई है तो करेक्टेड एन गैप भी लोअर और अगर सीरम एल्ब्यूमिन लो है तो करेक्टेड एन गैप भी हाई ये फार्मूला याद रखना ऑब्जर्व एन गैप प्लस 2.5 इनटू नॉर्मल माइनस मेजर तो एन एन गैप की इंटरप्रिटेशन के लिए अगर एल्ब्यूमिन दी हुई है आपको आपके सिनेरियो में क्वेश्चन में तो आपने देखना है कि इसकी करेक्शन की जरूरत तो नहीं है अगर तो एल्ब्यूमिन नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं अगर एल्ब्यूमिन अब नॉर्मल है तो फिर उसकी करेक्शन करनी है एन एन गैप की उसकी इंटरप्रिटेशन से पहले तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दो टाइप्स हो गई एक तो एडिशनल फेज है अदर देन हाइड्रोक्लोरिक और कीटो एसिडोस ऐड हो जाते हैं या लैक्टिक एसिड ऐड होता है हाइड्रोक्लोरिक अपना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया या फास्फोरिक एसिड ऐड हो गया तो क्या होगा सीरम क्लोराइड विल बी नॉर्मल बाइकार्बोनेट विल बी लो और ये एन एन गैप मेटाबॉलिक अगर एडिशन ऑफ एच सी एल है से क्या होगा सीरम क्लोराइड हाई हो जाएंगे बाइकार्बोनेट लो हो जाएगा तो ये नॉर्मल एन एन गैप मेटाबॉलिक नेक्स्ट मॉडल नेक्स्ट जो है सीरम ऑस्मोलर गैप सीरम ऑस्मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो ये तो भी आपकी कैलकुलेट आप करेंगे तो अगर आपने मैं ये किया तो नॉर्मली difference will be less than 10 to 15. नहीं ये डाल पोलैरिटी में और कैलकुलेटेड डाल पोलैरिटी में नॉर्मली डिफरेंस इज लेस देन 10 to 15. अगर ये रेज हो जाए तो आपने सस्पेक्ट कर लिया टॉक्सिक कैलकुलेशन ठीक है अब यहाँ पे टॉक्सिक अल्कोहल इंजेक्शन सस्पेक्ट करनी है अगर मेथनॉल होगी तो उसके साथ विजुअल डिस्टरबेंस होगी और अगर एथिलीन ग्लाइकॉल होगी तो यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट डिस्टर्ब अब यहाँ आपके पास दोनों काम हो गए एक तो डिस्टर्बेंस कर लिया आपने एसिडोसिस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है मे बी कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड अगर वो है मिक्स है तो अलग बात है और सपोज कर लीजिए कि सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई तो उसमें ऑस्मोलर सीरम ऑस्मोलैरिटी आपने मेजर की है और कैलकुलेट की है और जो ऑस्मोलर गैप इंक्रीज था तो हिस्ट्री में पेशेंट ने कंप्लेन किया था कि विजुअल डिस्टर्बेंस है तो मेथनॉल सस्पेक्ट कर अगर आपने यूरिन एनालिसिस में स्पेशल कैप कराया उससे लॉट ऑफ कैल्शियम ऑक्सेट क्रिस्टल देख रहे हो तो वो मैग्नीशियम ट्राई कर लो अब जो गैप है गैप आता है जितना मैं ये डाल रही थी उससे आप लेवल एस्टीमेट कर सकते हो कि मैथनॉल का लेवल क्या होगा या एथिलीन अल्कोहल का लेवल क्या होगा ये मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट में जरूरी हो जाता है
एक सर्टेन लेवल पे आपको अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी होगी, अगर उससे कम है लेवल तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मेथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मेथनॉल का और अक्रीन गलाई का होगा सर, मेथनॉल का सर 32 ग्राम पर होगा। ठीक है, और अक्रीन गलाई एल्कोहल का 62 है। अब अगर आपके पास ऑस्मोलर गैप जो है 100 का आ गया मिली आप मोल पर लीटर, तो मेथनॉल का लेवल क्या इफेक्ट करोगे? अगर मेथनॉल पॉइजनिंग है 3.2 आप मोल जो है ए आर इक्वल टू मिलीमोल, मिलीमोल से मिलीग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, तो ऑस्मोलर गैप जितना आया है उसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे उतने मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, तो मिलीग्राम पर डेसिलीटर करने के लिए 10 से डिवाइड करो या ऑस्मोलर गैप। Recording is on. गैप ज्यादा आया तो एक चीज क्या होगी, एक अपनाबिलिटी क्या होगी? सर बीच में सर आवाज चली गई थी सर आपके, सर एनएन गैप ज्यादा आने पे पूछ रहे थे। एनएन गैप ज्यादा है तो एक अपनाबिलिटी क्या होगी? सर नॉर्मल एनएन गैप मेटाबॉलिक से ना एनएन गैप ज्यादा है, एनएन गैप ज्यादा, एनएन गैप मेटाबॉलिक। आप इस एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है और नेग्मा भी हो सकता है, पेशेंट जो डायरिया हुआ है और शॉक में चला गया, दोनों चीजें हो सकती है। पेशेंट डायरिया था और ये आपका शॉक में था और रेस्पिरेटरी अपना चला गया, क्या कहेंगे वॉमिटिंग हो रही है उसको, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसे सोच लीजिए कि सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही पेशेंट को हाइपोटेंशन हुई शॉक हो गई, तो क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस में था ही नहीं। ठीक है, अब आपके पास एनएन गैप ज्यादा है तो आपने ये डिटरमिन करना है कि ये साथ इसके आयरन गैप के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है या नेग्मा तो नहीं है, तो दो चीजें निकालनी है आपने, डेल्टा 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 एनएन गैप अब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट जो है माइनस ड्रग और डेल्टा बाइकार्बोनेट इसमें अब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट जो है माइनस नॉर्मल बाइकार्बोनेट, नॉर्मल बाइकार्बोनेट माइनस अब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहां भी और यहाँ पे नॉर्मल बाइकार्बोनेट माइनस ऑब्जर्व बाइकार्बोनेट।
डेल्टा माइक्रॉन निकल आएगा। रेशियो देखना है हमने डेल्टा एनएन गैप का और डेल्टा वाई का। डेल्टा एनएन गैप टू डेल्टा वाई का हमने रेशियो जो अगर इज मोर देन वन, ठीक है, डेल्टा एनएन गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा वाई का, तो एक कॉम्बिनेशन जैसा आप बेटा होने का और अगर डेल्टा वाई का कार्बोनेट ज्यादा है वन, ये रेशियो जो है कम है वन से, तो फिर कोई एग्जिस्टिंग हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। और अगर मेटाबॉलिक का डेल्टा डेल्टा इक्वल टू वन तो फिर सिंपल होगी। एग्मा के कॉजेस क्या है? तो काम लैक्टिक एसिडोसिस है, यूरिनिया है, कीटो एसिडोसिस है, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन ऑफ ये टॉक्सिक अल्कोहल्स है, एस्पिरिन पॉइजनिंग है, एसिटोइमिनोफेन इंजेक्शन है, डीलैक्टिक एसिडोसिस है और डार्विन इंजेक्शन। तो ये डिफरेंट मिनोमिक्स हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए कुछ माहौल है, के फॉर कीटो एसिडोसिस, यू फॉर यूरेमिया, S for salicylate, फिर S जो आ गया starvation ketosis, M for methanol, A for alcohol ketoacidosis, U for uranium, ये आ गया unmeasured osmosis, unmeasured osmosis, यहाँ पे जैसे ethylene glycol for perandial और L for lactic acidosis, यह मल्टीपाइल्स है, मेथनॉल है, यूरेमिया है, यू डायबेटिक कीटोएसिडोसिस है, पैराएल्डिहाइड है, आईएनएस आयरन टॉक्सिसिटी आई से एथिलैक्टिक एसिडोसिस, ई से एथिलॉन एथिलीन और एथिलॉन और एस से सैलिसिलिन। ये लेटेस्ट ये है, ये अच्छा एक और आ गया कैट बट पॉइंट। कैट में सियानाइड है, आर्सेनिक है, डार्विन है और बाकी ये वही है। जो लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है वो है गोल्ड मॉल, जी फॉर ग्लाइकोज, ओ फॉर ऑक्सोप्रोलिन। ऑक्सोप्रोलिन क्या है? ऑक्सोप्रोलिन क्या है? मेटाबोलाइट ऑफ एसिटोमिनोफेन, स्पेशली एल्डरली पेशेंट में जो बहुत ज्यादा ये टाली नाली वगैरह ये मानव ऐसे ले रहे हैं, तो उनमें ये इसका मेटाबॉलिक जो ऑक्सोप्रोलिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। एल फॉर लैक्टोज, डी फॉर डीलैक्टेज, मेथनॉल, ए फॉर एस्पिरिन, आर फॉर रीनल और कीटो एसिडोसिस। तो ये आपके पास गोल्ड मार्क है या फिर मड पॉइंट्स है या कैट मड पॉइंट्स है जो, और तीसरा था उसमा, आपकी मर्जी है कौन सा याद करना, कोई एक याद कर ले, कोई एक याद कर ले और नाम याद रखें। अब आपके पास एक नेक्स्ट जो है कि यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए आप, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको ये याद होगा पिछले हफ्ते बात की थी कि प्रॉक्सिमल टिब्यूट से एमोनिया जनरेट हो, अमोनिया, अमोनियम और अमोनिया ये आ गई, और
ये प्राथमिक ट्यूब्स नीचे थे कैसे लिलुबा पहले से लीव्स आप होके इंटरसिक्शन में जाके फिर ब्लैकिंग डक्स में इंटरक्लेटेड ए सेल टाइप ए सेल्स में ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये एमोनिया सिक्रीट हुई और ये हाइड्रोजन सिक्रीट हुआ थे एमोनियम आयन बन गया। एमोनियम आयन ने ये सोडियम साल्ट जो थे सोडियम साल्ट सल्फेट्स के फास्फेट्स के यूरेट्स के लैक्टेट के एक्सेप्शन उनके साथ NH4 जो है वो रिप्लेस कर दिया सोडियम को, बल्कि सोडियम उससे पहले ENaC से प्रिंसिपल सेल में ENaC से रीब्जॉर्ब हो चुकी है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसके बदले में ये या तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा तो हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, कैल्शियम बाहर आएगा और एमोनियम बाहर आएगा, तो एमोनियम की सिक्रीशन होगी। अब यह आपने देख लिया कि ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन हुई तो ये एमोनियम बना। यूरिन में एमोनियम एमोनियम हाइड्रोजन आयन यहां भी एक्सीट हो रही है बन रही है। और आपने मुझे बताना है कि नॉर्मली कितना एमोनियम सिक्रीट होता है, आपके पास कितने एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं डेली? सर 70 ठीक है, 70 में से हाफ इज एक्सीटेड एज ट्राइटेबल एसिड, दिस इज ट्राइटेबल एसिड सोडियम के साथ हाइड्रोजन जो ये सोडियम सल्फेट था तो सोडियम रिप्लेस हो गया एच से तो सोडियम हाइड्रोसल्फ्यूर अपना सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, या सोडियम फास्फेट था तो सोडियम जो रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से तो फास्फोरिक एसिड बन गया, दीज आर ट्राइटेबल। हाइड्रोजन यहां सिक्रीट हुआ है और 50% इज सिक्रीटेड एज एमोनियम। ठीक है, जो आपका एसिड लोड है नॉर्मली जो नॉन वोलेटाइल एसिड्स आर सिक्रीटेड एज ट्राइटेबल एसिड और हाफ जो है अब अगर ऐसी डोसेस ज्यादा हो जाती क्या होगा, एसिडीमिया ज्यादा हो गया फिर पेशेंट को सीवियर डायरिया हो रहा है, एसिडीमिया ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन को आपको एक्सीड करने की जरूरत है। ये वाली जो है ये हाइड्रोजन आयन जो स्पीच होना इसलिए तो उतना ही होना जितने ये साल्ट आएंगे, तो ये लिमिटेड है जो कैपेसिटी ऑफ ये ट्राइटेबल एसिड जो है इस लिमिटेड टू एक्सीड हाइड्रोजन आयन, मगर जैसे ही एसिडीमिया ज्यादा होता जाएगा ऊपर अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे अमोनिया की एक्सीजन ज्यादा होगी, तो जब सीवियर एसिडीमिया हो जाए ड्यू टू नॉन रीजनल कॉज तो एमोनिया की एक्सीशन कैन गो टू 200-300 मिलीमोल्स, याद रखिए डायरिया वगैरह में या किसी और वजह से एसिडीमिया हुआ तो एमोनियम की एक्सीशन जो है मार्कली इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मली इज अबाउट 30-40 मिलीमोल्स। अब क्या हुआ यूरिनरी एनएन गैप, अब यूरिन में एनएन गैप कौन से आ रहे हैं, सोडियम है पोटेशियम है और एमोनियम है, ठीक और कैटायन कौन से, ये एनायन जो है सोडियम है पोटेशियम और एमोनियम है, ठीक है और एनायन कौन से हैं क्लोराइड से हैं और दूसरे जो है ये अपना फास्फेट सल्फेट द्वारा। अब एमोनियम तो नॉर्मली मेजर नहीं होता यूरिन में, ना ये साल्ट मेजर होते हैं, तो नॉर्मली हम मेजर करते हैं सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड,
तो यूरिन एन एंड गैप इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिनरी सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस यूरिन क्लोराइड. दैट्स द यूरिन एन एंड गैप डिफरेंस बिटवीन सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड. अब यहां पे एक चीज देखनी आपने कि यूरिनरी सोडियम पोटेशियम और अमोनियम की ऑक्सीजन बढ़ गई है. अमोनियम की ऑक्सीजन बढ़ गई है तो क्लोराइड की ऑक्सीजन भी साथ बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी कितनी बढ़ जाएगी? अमोनियम में ऐसे तो नहीं सीख रहा एक साथ उसने एनायन भी लेना है तो अमोनियम के साथ क्लोराइड की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी. जब आप ये अमोनियम में ही नहीं करेंगे सिर्फ सोडियम और पोटेशियम में ही करेंगे तो क्या होगा? ये यूरेनियम एन गैप मोर नेगेटिव हो जाएगा. और अगर ये अमोनियम सीट नहीं हो रहा फिर क्या होगा? अगर अमोनियम स्टीक नहीं हो रहा तो सोडियम पोटेशियम के साथ यूरिन क्लोराइड के भी दाखिल हो रहे हैं तो ये वाले इन दोनों के बराबर हैं तो ये चीज तो हमने मेजर नहीं करनी तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा सर. पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये यूरिन एन एन गैप अपने देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. क्यों डिपेंड ये गैप डिपेंड था. हाँ चलो देखता हूँ ये गैप आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल अमोनियम ऑक्सीडेशन. अमोनियम ऑक्सीडेशन अगर आपकी हाई प्रोटीन इंटेक है तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हो काम हो जाएगी मगर खत्म तो नहीं होगी. तो आप ये अमोनियम जो डिपेंड करती है ऑन योर डाइट इनटेक तो इसलिए ये काफी रेंज है प्लस 10 टू प्लस 15 पॉजिटिव है. ये देखे ना आपने यहाँ पे नॉर्मली ये वाला यूरिन सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस यूरिन क्लोराइड क्योंकि ये वाले सारे किसके बराबर थे? ये भी निकाल दिया हमने ये भी निकाल दिया तो ये यूरिनियन गैप और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. और ये जितनी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्लस 10 टू 50 तक जा सकता. और यहाँ पे क्या होगा? अगर अमोनियम सिक्रीट नहीं हो रहा क्या होगा? अमोनियम नहीं आ रहा पॉजिटिव हो इसका क्या फायदा हुआ आपको यूरिन गैप निकालने बेसिकली ये यूरिनरी एन एन गैप डिटरमिन करता है अमोनियम की ऑक्सीडेशन. ऐसे ही ना कि अगर अमोनियम की ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है तो ज्यादा नेगेटिव हो गया अमोनियम की ऑक्सीजन नहीं हुई तो पॉजिटिव हो गया.
सही है या गलत है? जी सर सही है। अगर एमोनियम की एक्सीशन ज्यादा हो रही है तो यूरिनरी गैप आपका ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एमोनियम की एक्सीशन नहीं हो रही पॉजिटिव है। और अमोनियम की एक्सीशन जो है क्या चीज जेंटलमैन करती है? अमोनियम की एक्सीशन जो है ये जेंटलमैन करती है कि ये हाइड्रोजन आयन की एक्सीशन होगी कि नहीं। अगर ये हाइड्रोजन आयन की एक्सीशन नहीं होगी तो अमोनियम नहीं बनेगा। और अगर डिस्टल ट्यूब्यूल से हाइड्रोजन की सेपरेशन नहीं हुई तो डिस्टल लीनियर ट्यूब रेसिडोसिस, प्रॉक्सिमल से नहीं हुई तो प्रॉक्सिमल एनर्जी माइनस है। और डिस्टल में अगर ये हाइड्रोजन आयन भी नहीं हुई और उसके साथ पोटेशियम की सेपरेशन भी नहीं हुई तो टाइप 4 हो जाएगा। तो मेनली ये जो है एनएन गैप यूनिट आप कैलकुलेट करते हो टू चेक इन यूरिन में, यूरिन में एमोनियम की एक्सक्रीशन जो है कम है या ज्यादा है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि एमोनियम बन रहा है कि बन रहा है, हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन हो रही है। नेक्स्ट इज द यूरिन ऑफ मोलर गैप। अभी हमने डिटरमाइन किया है कि ये यूरिन में क्या चीज है, सोडियम है, पोटेशियम है, एमोनियम है, अगर ग्लूकोज अगर हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक है वो भी हो सकता है, और यूरिया, यूरिया की सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगी। ये पांचों चीजों से यूरिन फॉस्फोलिपिडिटी बनेगी अगर आप मेजर करते हैं, अगर आप मेजर करते हैं तो ये पांचों कंपोनेंट आएंगे। अगर हम कैलकुलेट करते हैं यूरिन फॉस्फोलिपिडिटी तो कैलकुलेशन में आप ये फार्मूला यूज करते हो, 2 × सोडियम प्लस पोटेशियम, 2 × सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस यूरिनरी ग्लूकोज अगर मिलीग्राम पर डेसिलीटर डिवाइड बाय 1.8, अगर ग्लूकोज है ग्लूकोज नहीं है तो 0, और यूरिन यूरिया नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2.8, ये आप यूरिन ऑफ क्लैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एस्टीमेट जो मैक्सिमम ऑफ यूरिन ऑफ क्लैरिटी विल बी 2 × सोडियम प्लस यूरिन पोटेशियम प्लस यूरिन अमोनियम प्लस यूरिनरी ग्लूकोज और 1.8 और यूरिनरी नाइट्रोजन 2.8। तो आपने यूरिन ऑफ क्लैरिटी मेजर कर ली और यूरिन ऑफ क्लैरिटी कैलकुलेट कर ली, तो डिफरेंस जो होगा वो दैट विल बी ड्यू टू कौन सी अमीर कौन सा रहेंगे तो जो अगर मेजर ऑफ क्लैरिटी में ये सारी चीजें आएंगी ये भी आया और कैलकुलेटेड ऑफ क्लैरिटी में ये नहीं आया, तो डिफरेंस जो है बिटवीन द मेजर और कैलकुलेटर ऑफ क्लैरिटी विल रिप्रेजेंट दी एमोनियम, ठीक है, कैलकुलेटर का मेजर ऑफ क्लैरिटी। अब आपके पास इससे यूरिन ऑफ मोलर गैप से आप एस्टीमेट कर सकते हैं कि यूरिन में अमोनियम कितना होगा। सर यूरिनरी ग्लूकोज का 18 से नहीं करेंगे डिवाइड मिलीग्राम पर डेसिलीटर? जी सर, सर मिलीग्राम पर डेसिलीटर से मिलीमोल में जाएंगे? नहीं बेटे, 10 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम पर लीटर आएगा, उसको 18 से डिवाइड करोगे ग्लूकोज 180 से मल्टीप्लाई करोगे मिलीग्राम पर डेसिलीटर होते हैं जी सर, पहले इसको मिलीग्राम पर लीटर कन्वर्ट करो जी सर, मिलीग्राम पर लीटर कन्वर्ट करने के लिए सर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और डिवाइडेड बाय 180 सर, 180 तो क्या आएगा 18 है। गुड, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक हो गया जी सर।
अबाउट देम। अगर अकुलल गैप है तो दैट रिप्रेजेंट्स दी एमोनियम, तो अकुलल गैप से आप एस्टिमेट करोगे एमोनियम लेवल। सेकल क्रिएटेड में तो अमोनियम लेवल जी सर, अमोनियम लेवल एस्टिमेट करोगे तो कितना होगा अगर आप लोग गैप से? सर जो उस मोलर गैप आएगा सर, उसको अमोनिया के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टाइम से डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे तो आप मोलर गैप जो आएगा उसको आप 17 से 2 पे डिवाइड करोगे। ठीक है, ये 2 इंटू यूरिन सोडियम प्लस यूरिन कैल्शियम प्लस NH4, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई अपना डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलीमोल्स पर लीटर आ जाएगा, तो उसको मिलीग्राम पर डेसिलीटर आप निकाल सकते। तो अब आपके पास एक चीज आ, यूरिन एन ए गैप और यूरिन अकुलल गैप में हम क्या चीज डिटरमाइन करते हैं? अमोनियम की, अमोनियम की एक्सक्रीशन भी, दोनों चीज, दोनों जो अनमेजर्ड होती है अमोनियम जो है उसको हम मेजर करते हैं। अब अमोनियम कैसे बनेगा? आइडियोलाइन की सिक्रीशन होगी। आइडियोलाइन की सिक्रीशन कब होगी? अगर यहाँ पे सोडियम ना, यहाँ पे सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ई नेक से सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो ये नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज में आएगा तब अमोनियम बनेगा। ठीक है, अब अगर ये सोडियम की रिएक्शन कब होगी? सिंपल सा, सोडियम की रिएक्शन कब पड़ेगी, कब होगी सर? वॉल्यूम रिएक्शन ना, ना आइडियल आ गए दूसरे लफ्जों में, अगर सोडियम वहां पहुंचेगा, सोडियम अगर कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचा है तभी उसकी रीअब्सॉर्प्शन होगी और हाइड्रोजन सिक्रीशन होगा। मगर ऐसी कंडीशंस है जिसमें सोडियम प्रॉक्सिमली ही रीअब्सॉर्ब हो जाए, आपने कहा कि भी सीवियर वॉल्यूम है, तो वो वहां पे सोडियम जो है प्रॉक्सिमल में और सेलिंग में पहले भी अब्सॉर्ब हो जाएगा, यहां पहुंचेगा नहीं। अब आपके ये जो यूरिनरी एनन गैप या यूरिन अकुलल गैप के लिए जरूरी है कि आपका सोडियम कम से कम 20-25 मिलीमोल यहां पे मौजूद हो यूरिन में। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन तभी सही होगी अगर यूरिन में 20-25 मिलीमोल जो है सोडियम प्रेजेंट। अगर यूरिन सोडियम इज वेरी लो और अमोनियम लो आ रही है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? सोडियम की डिलीवरी कम हो गया हाइपोवोलेमिया की वजह से, सोडियम डिलीवरी कम हुई है और उसकी वजह से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कम हो गई जिसकी वजह से हाइड्रोजन सिक्रीशन कम हो गई। अब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम हो गई इस वजह से अमोनियम कम बना, अब ये जो हाइड्रोजन एक्सक्रीशन कम हुई है ये पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है? इस स्टेज पे हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो रहा, इस वजह से भी सीक्रीट नहीं हो रहा कि ये सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, और दूसरी वजह इस वजह से भी हो सकता है कि इस पंप में प्रॉब्लम है, यहां सिक्रीशन में प्रॉब्लम है। तो ये डिटरमिन करने के लिए पेशेंट को पहले वॉल्यूम देना होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करना होगा ताकि फिर यूरिन सोडियम बढ़ जाए, तो फिर आपने इसके यूरिन इलेक्ट्रोलाइट से यूरिन अकुलल गैप फिर करवाना। तो एक चीज याद रखनी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिनरी एनायन गैप और यूरिन अकुलल गैप के लिए यूरिनरी सोडियम 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से कम है
तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन इज नॉट बी करेक्ट. ठीक है, ये क्या है? ये यूरिनरी डेप्थ फैक्टर, सोडियम इज 50, कैल्शियम 45 है और एमोनियम इज 90. ठीक है, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 185. अब यूरिनरी क्लोराइड 135 है, ये वाला 135 था. अब आपने अमोनियम जो है नाकली मैयर नहीं किया, फिर क्या आएगा? ये सोडियम कैल्शियम और क्लोराइड का डिफरेंस आ जाएगा. तो ये तो 85 थे और ये 135 है, तो यूरिनरी एनन गैप 40 आ गया. तो इससे शो किया कि अमोनियम सीक्रेट हो रहा है. यहाँ पे अमोनियम बहुत कम था, फिर क्या होगा? क्लोराइड भी कम हो गया. अब अगर ये अमोनियम नहीं है तो सोडियम प्लस कैल्शियम माइनस क्लोराइड जो है पॉजिटिव हो जाएगा. दस जन आ गया, ये 45 में 50 थे, ये 85 हो गया था, तो ये 95 है, ये 85 है, ये माइनस 10 हो गया. ठीक है, तो ये आपका एनर्जी गैप हो गया. और ये वाली आपने मोनियम की सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है कि सोडियम की डिलीवरी हो रही है और हाइड्रोजन की सिचुएशन हो रही है. अगर सोडियम की डिलीवरी होते हुए हाइड्रोनाइट सिक्रीट नहीं हो रहा, तो जैसे डिफेक्ट है उसके चैलेंजेस आरडी वन आई वन वन recording is on. Hyperchloremic metabolic acidosis आ गई. अच्छा, तो आपने यूरिन में अमोनियम देखनी है. अमोनियम कैसे देखनी है? एनन गैप और ऑस्मोलल गैप. अगर तो यूरिन में अमोनियम ज्यादा है तो इससे मतलब जीआई चांसेस ऑफ बाइकोऑपरेट हो गए. ठीक है, वो hyperchloremic metabolic acidosis is due to causes other than urea. ठीक है, अब अगर आपकी अमोनिया एक्सक्रीशन कम है फिर आपने कैल्शियम देखना है. कैल्शियम अगर लो है इसका मतलब रीनल लॉसेस ऑफ बाइकार्बोनेट, और अगर पोटेशियम की ज्यादा है तो इसका मतलब डिफेक्ट इन पोटेशियम और हाइड्रोजन सिक्रीशन इज टाइप 4 रीनल डिफेक्ट. अमोनियम कम है और कैल्शियम ज्यादा है तो टाइप 4 रीनल डिफेक्ट. और अगर हाइपोकैलेमिया है तो यूरिन पीएच चेक करनी है. अगर मोर देन 5.3 है तो डिस्ट्रल रीनल डिफेक्ट. और अगर वेरिएबल है, क्योर नहीं है, कभी कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सीरम बाइकार्बोनेट लेवल होता है रियल डिफेक्ट. तो ये आपकी यूरिनरी एनन गैप जो है, यूरिनरी अमोनियम सिक्रीशन
यूरिन की एमोनियम सेक्रेशन जो आपने डिटरमिन करनी है बाय कैलकुलेटिंग यूरिन एनएन गैप और यूरिन ऑक्युलर गैप, तो उसकी डिफरेंस आपके एडवांटेज होगी कि आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण जो है रीनल है या एक्सटर्नल। आप चलिए बस करते हैं, बाकी में देखते हैं। अब आपके पास कोई भी एसिड बेस डिसऑर्डर जो है वो अकेला नहीं है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू अंडरलाइंग डिसऑर्डर। और डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसका कॉज नहीं बताते, ठीक है। अगर पेशेंट को एक ऐसी डीनिया है, आपने वो डायग्नोस कर दिया, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपको बताना होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डायरिया। इसी तरह पेशेंट आपके पास एथलोसिस के लिए आपके आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो आपने बताना होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू होम। तो एसिड बेस की जो डायग्नोसिस जो है, एक तो एसिड बेस की पैथोलॉजी क्या है, आपने एसिड बेस डिस्टर्बेंस को ट्रीट करना है, उसके कॉज को ट्रीट करना है, इसलिए कॉज का पता होना जरूरी है, ठीक है। कोई एनी क्वेश्चन जो है वेरी गुड, कोई आपने इस पे गौर करना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है और कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। पहले नंबर पे अपना अपना क्वेश्चन तैयार करके आना है सब लोग बोलने और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछना है ताकि इसको मजीद क्लैरिफाई कर दिया जाए। जितने लोग बैठे हैं सब एक एक क्वेश्चन तैयार करके आके ये क्वेश्चन पूछना है आज की लेक्चर के बारे में, ठीक, फिर आगे चलेंगे वरना नहीं चलेंगे वरना वापस यहीं आ जाना है, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बढ़ गया, 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 बढ